तो ये है मसल ब्लेस का फ्लेवर्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और आज हम लोग इसी का ही रिव्यू करने जा रहे हैं। तो टोटल 5 पॉइंट्स के ऊपर बेस करके ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ। नंबर 1, इसका NABL सर्टिफाइड लैब टेस्ट रिपोर्ट। नंबर 2, क्या ये सच में क्रिएपियोर यूज करते हैं। नंबर 3, इसको लेने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। नंबर 4, इसको लेने का डिसएडवांटेजेस। और नंबर 5, इसका प्राइसिंग। और साथ में यहाँ पे देखेंगे 25 दिन यूज करने के बाद मुझे कैसा इफेक्ट हुआ। पर रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं, मसल ब्लेस का जितना भी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है वो सभी का मैंने ऑलमोस्ट रिव्यू कर चुका हूं मेरे चैनल में। सिर्फ बाकी था ये फ्लेवर्ड वाला जो मैं 25 दिन बाद आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मेरे चैनल में ऐसा रिव्यू आते रहते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप लोगों को नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो कभी नहीं मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट बात करते हैं कि क्या ये क्रिएप्योर है। सो यस, ये क्रिएप्योर है और जिसका प्रूफ है कि ये जो क्रिएप्योर का लोगो है और साथ में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 22BI20। ये है ये क्रिएप्योर का रजिस्ट्रेशन नंबर जहां से मसल ब्लेस इसको इम्पोर्ट कर रहा है। तो इसमें आपको प्योर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मिल रहा है, ये मसल ब्लेस क्लेम कर रहा है और उसका प्रूफ भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप लोगों को लगे तो आप क्रिएप्योर का जो वेबसाइट है वहां पे जाके ये रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हो। अभी देखते हैं कि इसका जो मिक्सिबिलिटी है वो क्या क्रिएप्योर का जो नेचर है उससे मिलता है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे मैंने पानी ले लिया और ये जो मसल ब्लेस का क्रिएप्योर है इसको मैं ओपन करता हूँ। ऑलमोस्ट 25 दिन मैंने इसको लगातार कंज्यूम किया। तो अभी यहाँ पे मैं ये जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है इसको मैं ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक सही जानकारी मिल जाए। तो ये मैंने एक स्कूप ले लिया और इसके अंदर मैंने दे दिया। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसके अंदर दिया ये टैंगी ऑरेंज फ्लेवर में है और 250 ग्राम का जो बॉक्स है उसमें आते। अभी कुछ चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। क्रिएप्योर का मेन चीज है कि जैसे ही मैं इसको मिक्स करता हूँ, मिक्स करने के बाद वो तुरंत नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाता है और वो चीज यहाँ पे हो रहा है। आप लोग देखिए जैसे कि ये ऑरेंज कलर है, इसके लिए थोड़ा सा आपको डार्क फील हो रहा है। अगर ट्रांसपेरेंट होते तो आराम से दिखते, बट फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दिखाता हूँ कि नीचे देखिए सेटल हुआ है। ठीक है, और एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्रिएप्योर है वो इससे साफ पता चल रहा है और ये जो है टैंगी ऑरेंज फ्लेवर में है। अभी बात करते हैं इसको लेने का कुछ एडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बोल दूं, अगर आप लोग 10 रुपए वाला वो गोला खाए हो ऑरेंज वाला, उसका जो टेस्ट है इसके साथ बहुत ही मिलता जुलता है। और अगर इसको आप थोड़ा सा चिल्ड वाटर के साथ लेते हो, ठंडे पानी के साथ लेते हो, तो आपको बेहतरीन महसूस होगा। और मैं डेली, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं डेली इसका क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले रहा हूँ सिर्फ इसका टेस्ट के लिए। मुझे टेस्ट इतना बढ़िया लगता है कि मैं इसको प्री वर्कआउट में शामिल जरूर करता हूँ। आप लोग को एक चीज बोल दूं कि मैं इसका 5 से 6 ग्राम करके डेली यूज करता हूँ। तो अभी यहाँ पे और एक इसका एडवांटेज बताता हूँ। जैसे कि ये क्रिएप्योर है और जेनुइन है, जिसके लिए आपको 5 से 6 दिन के अंदर वो स्ट्रेन जो है वो मैसिव आपको महसूस होगा और जिससे आप अच्छा खासा स्ट्रेन बिल्डअप कर सकते हो ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से। अभी मैं बात करता हूँ इसका कुछ डिसएडवांटेजेस। ठीक है, फर्स्ट जो चीज है वो है ये 250 ग्राम का तो बॉक्स है। अभी 250 ग्राम का जो बॉक्स है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का, उसमें क्या होता है 83 सर्विंग्स आपको मिल जाता है। बट जैसे कि ये फ्लेवर्ड है तो इसका सर्विंग साइज भी थोड़ा ज्यादा हो गया, वो है आपका 4 ग्राम, जिनमें आपको 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मिल रहा है और 1 ग्राम आपका फ्लेवर्ड वगैरह जो जो है वो इसके अंदर डाला गया है, जिसके लिए आपका सर्विंग जो है टोटल ओवरऑल सर्विंग वो 62 सर्विंग्स हो गया। तो ये एक ही चीज ये 250 ग्राम का जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का बॉक्स है इसमें मुझे बेकार लगा। अभी बात करते हैं इसका NABL सर्टिफाइड लैब टेस्ट रिपोर्ट। तो NABL सर्टिफाइड लैब टेस्ट रिपोर्ट मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, जहां पे आप लोग देख पा रहे हो कि 100% आया है। अभी बहुत जन मुझे बोलते हैं कि इसमें प्रोटीन कंटेंट क्यों लिखा है। बेसिकली मैं आपको बोल दूं कि मैं ये बॉक्स नहीं भेजता हूँ, इसका प्रोडक्ट का जो सैंपल्स है, मतलब अंदर से निकल के सैंपल्स जो है उसको मैं भेजता हूँ वो लैब में। उन लोग को भी पता नहीं, मसल ब्लेस को भी पता नहीं, मिडिल में जो भी हो रहा है उसके किसी को पता नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है। सिर्फ वो टेस्ट करके उसका रिपोर्ट मुझे पेश करते, तो नॉर्मली वो उसमें प्रोटीन कंटेंट लिख के ही वो पेश कर देते। उसको पता नहीं कि वो क्रिएटिन है या फिर मस्गेनर है या फिर व्हे प्रोटीन है, क्या है पता नहीं। वो प्रोटीन कंटेंट निकाल के नाइट्रोजन वैल्यू टेस्ट करके वो निकाल के दे देते। और ये टेस्ट करने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पे 100 ग्राम में 100 ग्राम आपका क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपको मिल रहा है, वो प्रूफ हो चुका है। तो इसका मतलब है लैब टेस्ट रिपोर्ट में ये प्रोडक्ट जो है पास किया है। सो अभी बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर जो है इसका प्राइसिंग। इसका MRP है 1799 रुपीज, बट जब मैंने इसको Amazon से खरीदा था इसका प्राइस आया था 1200 के आसपास, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहां से आपको ओरिजिनल
ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल अभी मैं बताने जा रहा हूँ मेरा 25 दिन का एक्सपीरियंस ये प्रोडक्ट के साथ। तो 25 दिन मैंने इसको यूज किया 5 से 6 ग्राम करके प्री वर्कआउट में और थोड़ा सा ठंडा पानी से मैंने इसकी यूज किया। मैं आप लोगों को बोल दूं अभी तक बहुत सारा मैंने क्रिएटिन मॉनिटर ट्राई किया बट फ्लेवर आने के बाद ये प्रोडक्ट में जान आ गया। सीरियसली बोल रहा हूँ कि मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था कि क्रिएटिन मॉनिटर का थोड़ा एंजॉय करके मैं पीऊँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता उसको पीने में नॉर्मल पानी से। तो ये आने के बाद मुझे थोड़ा सा सुकून मिला और मैं अच्छे से इसको कंज्यूम किया। एक चीज मैं आप लोगों को बोल दूं कि बहुत ही जल्दी मैं इसका 1-2 डब्बा और खरीदूंगा क्योंकि प्राइस बढ़ने से पहले मैं इसको खरीदूंगा। पता नहीं कब इसका प्राइस बढ़ जाए मार्केट में, धीरे धीरे व्हे प्रोटीन का प्राइस बढ़ रहा है, सब कुछ का प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका भी प्राइस कभी बढ़ जाएगा। तो मैं 2-3 बॉक्स अलग से मैं खरीद लूंगा और अभी जो क्रिएटिन मॉनिटर मेरे पास है जो मैं नॉर्मल अनफ्लेवर्ड वाला उसको खत्म कर लेता हूँ फिर जाके इसके ऊपर इन्वेस्ट करूंगा। बट मुझे सही में बहुत बेहतरीन लगा। अगर आप लोग सीरियसली इसको खरीदना चाहते हो तो मैं जहां से खरीद रहा हूँ अमेजन का जो लिंक है ऑथेंटिक लिंक जो डायरेक्टली मसल बेस के हाउस से आता है वो लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ, आप लोग वहां से खरीद सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सिर्फ मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू जो था वो मैंने यहाँ पे दे दिया और आप लोगों को थोड़ा हेल्प किया। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।